सो गाइस, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये मैसेज किसको कर रहा हूँ, टेक्स्ट किसको कर रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा था, ग्रिफोलॉजी पे था, तो मैंने उसमें ये बताया था कि ग्रिफोलॉजी होता क्या है। बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि ग्रिफोलॉजी नाम का भी कोई वर्ड होता है या फिर कुछ ये टर्म होता है ऐसे करके। तो मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाया कि ग्रिफोलॉजी होता क्या है, और मैं पहले ही ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले मैं दे दिया था कि मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ इस चीज़ पर, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिले इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने कहा था कि आप लोग मुझे अपना नाम दे सकते हैं ताकि मैं आप लोग के नाम को एनालाइज करूँ, ताकि आप लोग समझ पाए कि ग्रिफोलॉजी होता क्या है। ओके, सो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं गाइस। हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ग्रिफोलॉजी। सो गाइस, मैंने बाकी चीज़ तो बता दिया आप लोग को कि मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बनाया था एंड उसमें क्या क्या बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है कि ग्रिफोलॉजी होता क्या, नहीं समझते हो अगर आप लोग, तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको बिलीव नहीं हुआ था, तो मैं एक एक करके मैं जितने लोगों का कर पाया, टोटल मेरे पास 11 नाम आए थे, टोटल मुझे 11 नाम चेक करना था, 15 नाम आया था टोटल। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने मुझे 15 नाम भेजा एंड मैं उसमें से, मैं जिस तरीके से बोला था मैं कि 11 नाम सिर्फ लूँगा, 11 नाम मैंने एनालाइज किया और मुझे उनसे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, थैंक यू फॉर दैट। और मैं एक एक करके अभी आप लोग को स्क्रीन पे फीडबैक दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को भी विश्वास हो जाए कि ग्रिफोलॉजी नाम का चीज़ होता है और उस पर हम लोग मतलब किसी भी कैरेक्टर के बारे में, उसके पर्सन के बारे में, उसके पर्सनैलिटी जान सकते। गाइस, आई होप आप लोगों ने मेरे फीडबैक्स देख लिए होंगे कि किस तरीके से मुझे फीडबैक आया ग्रिफोलॉजी को लेकर, एंड जिनको शायद बिलीव नहीं हो रहा होगा इस चीज़ पर, उनको बिलीव हो गया होगा। सो गाइस, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा सिग्नेचर होना कैसे चाहिए। मैंने आप लोगों को ये तो बताया कि आप लोग के पर्सनैलिटी के हिसाब से हम लोग मतलब किसी भी कैरेक्टर को देख कैसे पाते हैं, मैंने आप लोग को लिख के भी भेज दिया था उस चीज़ को, बट मैंने आप में से बहुत कम लोगों को ये बताया कि हमारा सिग्नेचर होना कैसे चाहिए। मैं मिस्टेक तो आप लोगों को बता दिया बट उसका सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं बताया, तो इस वीडियो में आप लोग को लाइन वाइज करके मैं आप लोगों को ये बताते जाता हूँ, पॉइंट वाइज करके, कि हमारा सिग्नेचर होना कैसा चाहिए। ओके, तो लेट्स सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग अगर चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 45 डिग्री पे होना चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज आप लोगों को जो सिग्नेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, लोगों को समझ आने वाला होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों के सिग्नेचर पे एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स नहीं होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स। एंड द फोर्थ पॉइंट इज आप लोग कुछ सिग्नेचर्स में देखे होंगे कि वो कई बार ओवरलैप्स हो जाते हैं या ओवरराइटिंग हो जाता है, तो आप लोग को अपने सिग्नेचर को ओवरलैप या ओवरराइटिंग नहीं करना है और किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करना है। ओके, एंड नेक्स्ट ये है कि आप लोग को जो सिग्नेचर है वो अंडरस्कोर होना चाहिए उसमें हमेशा, अंडरस्कोर आपका कॉन्फिडेंस बताता है। ओके, एंड मैं ये जो बता रहा हूँ ये कुछ लोगों का चेंज भी होता है, क्यों, क्योंकि उन लोग के प्रोफेशन के हिसाब से होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे जर्नलिस्ट जो होते हैं उनका मोस्ट ऑफ द सिग्नेचर ना कटा हुआ होता है, क्यों कटा हुआ होता है, क्योंकि उन लोग को लोगों से आर्ग्यूमेंट करना होता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आप लोग को 5 पॉइंट्स बता दिए, आप लोग इसको आप यूज कर सकते हैं अपने सिग्नेचर्स पे। सो गाइज, अगर आप लोग को इसी तरीके के वीडियोज और भी चाहिए, क्रिएटिव आप लोगों को टूल्स अगर बनाने हैं, तो मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दिए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि आप लोग को इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स डालता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।